सॉरी फॉर द म्यूजिक एंड डिस्टर्बेंस, पता ही नहीं चला कि आप लोग हैं। सो मैं यहाँ कुछ काम कर रहा था तो ही मेरे दिमाग में ख्याल आया, इतना सारा जो हम लोग डाटा इसमें लिखते हैं सेव करते हैं वो सब एक्चुअल में जाता कहाँ है, वो सब स्टोर कहाँ होता है, कोई ना कोई जगह होगा जहाँ वो जाके स्टोर होता है। सो वैसे मैं देख रहा था तो आइए देखते। सपोज एक कंपनी है, ठीक है, इसके कुछ डाटाज हैं, इसके लिए इन्होंने अपने एक सर्वर बना के रखा है, सारा डाटा इस सर्वर में स्टोर होता है, इसके कुछ यूजर्स हैं, ओके, ये सब इसके यूजर्स हैं, ये सारे यूजर्स ये डाटा एक्सेस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो होते गया और ग्रो हुआ, इसके यूजर्स और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। बट ये जो सर्वर जो लगाया हुआ था वो तो वही था। सो अब जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते गए वैसे वैसे सर्वर तो वही था, तो ये उसको संभाल नहीं पाया। सो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ये लिख गया नॉट अलाउड या फिर बिजी, इस टाइप से रिस्पॉन्ड करने लगा। सो अब तो कंपनी का रेपुटेशन डाउन होते गया, तो फिर कंपनी सोचा अब क्या करे। फिर ये मेरे पास आया, बोला कि देखिए सर ऐसा ऐसा है, क्या करे क्या करे। तो फिर हम उसको पूरा समझे, फिर मैंने इसको बताया आप एक काम कीजिए, आप एक सर्विस प्रोवाइडर से आप होस्टिंग ले लीजिए या फिर आप क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में अपना सारा एरिया रख लीजिए। क्लाउड मतलब ये जो आसमान वाले बादल क्लाउड नहीं, क्लाउड मतलब एक एरिया जहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो, ये कहीं भी हो सकता है, यूएस में आप, इंडिया में आपका कंपनी है, क्लाउड का लोकेशन यूएस, ये सब कहीं भी हो सकता है। इसका सिस्टम क्या है, ये इंटरनेट के थ्रू वर्क करता है। सो क्लाउड में आपको बनाने के लिए आपका एक डाटा सेंटर होना चाहिए काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगेंगे, उसमें आपको काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगाने पड़ेंगे, और बाहर जैसे डॉग आप रख लिए, सिक्योरिटी गार्ड लगा लिए, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी डाल दिए, इस तरह से काफ़ी एक सिक्योर एरिया को बोला जाता है क्लाउड, ये सारा डाटा आपका वहाँ पर स्टोर होता है। अब इसके फायदे क्या क्या है, पहला इसका फायदा है ये तो काफी ह्यूज स्पेस देता है, तो इसे आप जितना चाहे उतना डाटा, 100 GB ऑफ डाटा, 200 GB ऑफ डाटा या उससे भी ज्यादा डाटा आप स्टोर कर सकते हो, ये उसका एक फर्स्ट फैसिलिटी है। देन आप जब चाहे तब आप उसको यूज कर सकते हो, आप अभी बॉम्बे में हो, कल आप दिल्ली में हो, आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, आप यहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, कोई और है वो चेन्नई में, वो भी यहाँ से उसको डाटा एक्सेस कर सकता है। देन कॉस्ट, सिंस इतने सारे उसका स्पेस है, इतने सारे इसके यूजर्स है, तो जो भी इसका कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होने से इसका कॉस्ट पर यूजर बहुत कम हो जाता है, तो आपको काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है। देन इसके लिए अगर सपोज आपका सर्वर है वो अगर यूज नहीं हो रहा, अगर आप सर्वर को रेंट पे लिए यूज नहीं हो रहा, तब भी आपको उसके लिए मनी पे करना पड़ेगा। बट अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाते हो, अगर आप एक महीना के लिए आपका कंपनी कुछ रीजन से बंद हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे आपका ब्लेजर कोट ये सब का है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि समर सीजन आ रहा है तो अभी आपका वो उतना सेल नहीं होगा, तो उस टाइम में आप अपने सर्विस को आप बोल सकते हो कि नहीं मेरे को इतना यूज नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हो, तो ये पे पर यूज ये सब इसके कुछ फायदे हैं। सो ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्राइस आपका कम होगा, रिड्यूस कॉस्ट, देन एनी टाइम एक्सेस, एनी वेयर एक्सेस एट अ लीस्ट कॉस्ट। उसके बाद आपको कुछ भी रिसोर्स चाहिए, जैसे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ चाहिए, सर्वर चाहिए, देन आपको स्टोरेज के लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो ये सब जो भी आपको चाहिए आप बोल के आप ले सकते हो, जितना टाइम के लिए चाहिए उतना टाइम के लिए आप ले सकते हो, आपको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा जितना टाइम के लिए आप लिए।
ये हो गए इसके फायदे एंड ये हो गया आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके इश्यूज क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिनेंट इश्यू। मैं इसको बुलाता हूँ पीसी इश्यूज। थ्रीसोल्ड पॉलिसी, पॉलिसी बनाने में आप कुछ गलती कर दो, सी हो गया आपका कॉस्ट, आई हो गया आपका इंटरऑपरेबिलिटी, एस हो गया आपका सिक्योरिटी इश्यूज, ये आपका जो भी है इंटरनेट के थ्रू क्लाउड में रहता है उसे हैकिंग के कुछ चांसेस रहते हैं। देन हो गया सिस्टम डेवलपमेंट इन देन आपका हो गया अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। फॉर एग्जांपल जैसे जब मैंने एक अपना वेबसाइट बनाया था उसका मैंने होस्टिंग लिया था, उसमें मैंने कुछ कुछ प्लगइन्स डाला था एंड देन मैंने उसको यूज किया था तो ठीक था, मेरे कंप्यूटर में ठीक वर्क कर रहा था, बट जब मैंने उसे क्लाउड में डाल दिया एंड देन दूसरे यूजर्स जब इसको यूज कर रहे थे तो इस प्लगइन्स के कारण कुछ वहाँ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण वो लोग इसको प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। सो मेरे को तो मेरे कंप्यूटर में ठीक से दिख रहा है बट वहाँ पर वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा। सो ये हो गया आपका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, जैसा बिहेवियर मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। देन लास्ट भी है आपका एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लाउड कंप्यूटिंग। आप सोचा कि एनवायरमेंट फ्रेंडली क्लाउड कंप्यूटिंग पर्टिनेंट इशू कैसे है? सो अब देखिए, पहले जैसा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल में मेरे खुद के सर्वर्स थे, देन कुछ दिनों बाद वो सर्वर सारे जो मैंने खुद के सर्वर्स इंस्टॉल किए थे अपने बिजनेस में, अब वो सर्वर को छोड़ के मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में चला गया। तो मेरे जो सर्वर्स थे, कंप्यूटर्स थे, जो मेरे जितने भी रिसोर्सेज थे वो तो एज इट इज रह गए। सो अब उसका यूज क्या, वो तो मेरे लिए वेस्ट चला गया। तो ये हो गया आपका एनवायरमेंट अनफ्रेंडली थ्रेट्स, तो इसीलिए उसको पर्टिनेंट इशू माना जाता है। सो जैसा कि आप लोग मैंने आपको दिखाया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके पर्टिनेंट इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बेसिकली थ्री टाइप्स के क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे टाइप्स होती है, उसके आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। एक हो गया आपका फ्रंट एंड, फ्रंट एंड मतलब जो आपको सामने से दिख रहा है वो जो यूजर्स को दिख रहा है, यूजर इंटरफेस हो गया मतलब जो आप देख सकते हो वो चीज। देन हो गया बैक एंड, बैक एंड हो गया जो आप नहीं देख सकते, जो पीछे से जो काम कर रहे हैं आप जो नहीं देख सकते, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख नहीं सकते बट वो वर्क करता है उस टाइप से। फ्रंट एंड में जैसे आप स्क्रीन देख सकते हो इस तरह से। एंड एक हो गया मिडिल वेयर, मिडिल वेयर क्या करता है, दोनों के बीच का काम करता है, दोनों के लिंक बैठा था मिडिल वेयर, ठीक है। सो ये था टोटली क्लाउड कंप्यूटिंग। देन हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग ये लैपटॉप, क्या लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटिंग है, या वो लैपटॉप क्या वो मोबाइल कंप्यूटिंग है, या फिर ये मोबाइल क्या क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसको बोल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। बट लैपटॉप को क्या बोल सकते हो, कैसे डिसाइड करोगे, आइए बताते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग दो वर्ड से बना, दो टर्म, एक मोबाइल दूसरा कंप्यूटिंग, ठीक है। दोनों क्या होता है, मोबाइल मतलब ऑन द मूव, ऑन द मूव, कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर। अब जैसे ये कैलकुलेटर क्या मोबाइल कंप्यूटिंग, आंसर है आप लोग सब कुछ सोच रहे होंगे नहीं ये मोबाइल कंप्यूटिंग कैसे हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये मोबाइल कंप्यूटिंग है। क्यों, पहला ऑन द मूव, आज ये जो कंप्यूटर ये कैलकुलेटर है जरूरी नहीं कि हम यहाँ बैठ के बना उसको कैलकुलेट करें, हम यहाँ खड़े होकर इसको कैलकुलेट कर सकते, इसको लेके हम वहाँ जाके भी कैलकुलेट कर सकते, हर जगह एक ही रिजल्ट देगा,
सिक्स प्लस फाइव करेंगे यहाँ भी इलेवन देगा, यहाँ से इधर चले गए यहाँ सिक्स प्लस फाइव करेंगे यहाँ भी इलेवन देगा, वहाँ जाएंगे वहाँ भी देगा, जहाँ भी जाएंगे रिजल्ट सेम देगा। सो ऑन द मूव कहीं भी हम मूव कर रहे ये हमको रिजल्ट देगा, इसको लेके हम इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। देन कंप्यूटर, इसमें हम सिक्स प्लस फाइव किया तो ये इलेवन दिया, मतलब ये कंप्यूट करके इलेवन बताया, ये हो गया आपका कंप्यूट। सो दैट मीन्स कंप्यूटर इज अ मोबाइल कंप्यूटर, बट कंप्यूटर हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो कंप्यूटिंग है बट क्या मोबाइल है? नहीं। सो इसीलिए कंप्यूटर आपका मोबाइल कंप्यूटिंग नहीं है, बट लैपटॉप जो है, लैपटॉप लेके आप मूव भी कर सकते हो उसमें कंप्यूट भी कर सकते हो। सो लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटिंग माना जाएगा? आंसर है हाँ मान सकते, कंप्यूटर को नहीं क्योंकि मूव नहीं करते। देन ये आपका डस्टर है, ये आपका मार्कर है, इसको क्या कंप्यूटिंग बोला जा सकता है? इसको भी तो लेके मूव कर सकते हैं। सो इसको लेके मूव कर सकते, ये मोबाइल है बट ये कंप्यूटिंग नहीं है, ये आपको 6 प्लस 5 11 बताएगा क्या? नहीं। सो इसीलिए मोबाइल कंप्यूटिंग क्या हुआ? जो मूव भी करता है एंड जो कंप्यूटर भी कुछ उनको डाटा देता है, इसको बोला जाता है मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, सो मोबाइल कंप्यूटिंग तो आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग के? पहला बेनिफिट्स एक्सेस ऑफ वर्क ऑर्डर, एक्सेस ऑफ वर्क ऑर्डर। ओके, सो एक्सेस ऑफ वर्क ऑर्डर मतलब अब जैसे एचयूएल कंपनी है, हमको कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो हमको जरूरी नहीं है कि हम कहीं मतलब वहां जाके ऑर्डर करें, कहीं से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं एंड ये एचयूएल कंपनी अपने वेबसाइट से ऑर्डर को एक्सेस कर सकता है। सो फर्स्ट एडवांटेज मोबाइल कंप्यूटिंग का कि हम अपने घर बैठे बैठे अपने वर्क ऑर्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज अपडेट वर्क ऑर्डर्स, अगर कुछ वर्क ऑर्डर मिला है उसका स्टेटस क्या है वो हम लोग अपडेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज एक्सेस डाटा वेयर हाउस, जैसे बिग फोर कंपनीज है सो वहां पर जो भी आपका डाटा है वो कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, मोबाइल से भी प्रोसेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देन आपका जो मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस है वो इसके थ्रू आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया? जैसे मैनेजर पहले उसको सेल्स मैनेजर है, उसको घर घर जाके सेल्स ऑर्डर लेके आना पड़ता था, अब उसको घर घर जाने का जरूरत नहीं, इतने सारे सोशल मीडिया कहीं पर भी एडवर्टाइज करके ऑर्डर ला सकता है। सो इससे मैनेजमेंट का इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सो ये सब हो गए इसके बेनिफिट्स, आज के लिए बस इतना ही और इसके बाकी कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दैट इज निशांत 209CH। You can also press the bell button to get notified whenever we upload the next video. Thanks guys. Take care.